हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करें एक और कन्नड़ मूवी के बारे में जिसका नाम है तिथि। इस मूवी को आईएमडीबी ने 8.2 की रेटिंग दी है और ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी कन्नड़ लैंग्वेज में। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह कि आपको इंग्लिश, हिंदी और अदर्स लैंग्वेज के सबटाइटल के थ्रू देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और आप लोग समझ चुके हो अब मैं यहाँ पर रिव्यू करूँ तो डेफिनेटली ये मूवी वर्थ वॉच होगी। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे कन्नड़ ऑडियंस ने भी इस फिल्म को देखी नहीं होगी, क्योंकि इस फिल्म में आपको कोई भी नॉन एक्टर्स देखने को नहीं मिलेगी, ना ही ये मूवी कोई कमर्शियल मूवी है। ये मूवी कुछ अलग हटके और ये मूवी देखने के लिए कई महीनों से मैं सोच रहा था। लेकिन जैसे कि आपको बताया कि इस चैनल पे आपको बहुत सी अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, यानी कि वेब सीरीज हो, मूवीज हो, और सब अलग अलग लैंग्वेज की चीजें यहाँ पर देखने मिलती, तो इस वजह से हर एक चीजों को देखने के लिए वक्त लगता है। तो इसलिए मैंने जो चीजें डिवाइड की, तो उस हिसाब से मुझे आज टाइम मिला, मैंने ये फिल्म देख लिया। अगर आपको इस रिव्यू वीडियो के बाद टाइम मिलेगा तो आप भी इस मूवी को चेक कर लेना। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती तो यार इस चैनल पे आकर वीडियो को लाइक भी कर देना और हो सके तो कमेंट भी कर देना। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी की। तो ये इस मूवी की ओवरऑल लेंथ है 2 घंटा। मूवी की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां पर हमें नजर आते हैं बुजुर्ग इंसान जिसका नाम है सेंचुरी गौड़ा। वो इसलिए क्योंकि उनकी एज 101 साल है, अब वो फाइनली मर चुके हैं, लेकिन वो पूरे गांव में इसलिए फेमस है क्योंकि वो 100 साल से ज्यादा जिंदा भी रह चुके हैं। उसके अलावा जब वो जवान थे तब वो ब्रोकर थे, तो इस वजह से उनके आस पड़ोस के गांव वाले भी उनको बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते। अब सेंचुरी गौड़ा के पास 5 एकड़ जमीन है, वो जमीन उन्होंने अपने बड़े बेटे गड़प्पा के नाम रखी है। अब गड़प्पा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपनी पर्सनल जिंदगी में बहुत सारी ट्रेजेडीज देखी है, तो इस वजह से वो अपनी लाइफ को अब सिंपल वे में जीना चाहता है। जो गड़प्पा का बेटा है तमन्ना, वो किसी भी तरह से चाहता है कि उसकी दादा की जो 5 एकड़ की जमीन है उसके नाम पे हो जाए। तो इसीलिए वो अपने फादर गड़प्पा को बोलता है कि प्लीज ये जमीन आप मेरे नाम पे कर दो, वरना आपके जो भाई लोग वो उस जमीन को हत्या लेंगे। लेकिन गड़प्पा इसकी बात पे रिएक्ट नहीं करता। और उसके बाद आपको पूरी मूवी में यही देखना है कि तमन्ना किस तरह से वो 5 एकड़ की जमीन हत्याता अपने ही फादर से। उसके अलावा इस फिल्म में आपको एक और सब प्लॉट देखने को मिला, वो ये है कि तमन्ना का जो बेटा है अभी, उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो भी आपको इस मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया। अब बात करते हैं ये मूवी मुझे पर्सनली क्यों अच्छी लगी और मैं इसका रिव्यू क्यों कर रहा हूं और ये मूवी आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो इस मूवी में जो जो चीजें बताई वो हर दूसरे घर की कहानी, यानी कि जहां जमीन और पैसे की बात आती तो हमारे जो इंडियन फैमिलीज है, मैं तो बाहर गया नहीं तो मुझे इंडियन फैमिलीज का एग्जांपल देना पड़ेगा, तो हमारी जो इंडियन फैमिलीज है वो भाई बहन बेटी कुछ नहीं देखते, उनको जो चीज चाहिए वो चीज चाहिए, तो उसके बाद कितने भी बड़े झगड़े हो जाओ वो उनसे फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही कुछ इस मूवी में भी आपको बताया गया। उसके अलावा इस मूवी में जितने भी एक्टर्स है वो अननोन एक्टर, यानी कि मैंने तो इन एक्टर्स को कभी भी किसी कन्नड़ मूवी में नहीं देखा, तो मेरे लिए ये अननोन एक्टर्स है। लेकिन उन सभी लोगों ने यहाँ पे अपने हिस्से का काम बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। उसके बाद इस फिल्म में आपको कुछ भी बीजीएम सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो सीन है उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको फील होता है, क्योंकि हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया। और जैसा कि मैंने कहा कि ये मूवी में जो जो चीजें बताई वो रियलिटी के काफी करीब होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि वाकई में आप किसी की रियल स्टोरी देख रहे हो। उसके अलावा इस फिल्म में मरने के बाद गांव में किस तरह से रिचुअल्स होते हैं उसको भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर प्रेजेंट किया, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इंसान के मरने के बाद क्या कुछ रिचुअल्स होते हैं। स्पेशली साउथ इंडियन लोग उनके क्या क्या रिचुअल्स होते हैं वो भी मुझे पर्सनली नहीं मालूम है। तो इस मूवी के थ्रू जो जो चीजें देखने मिली मुझे लिए किसी कल्ट मूवी से कम नहीं थी। उसके अलावा इस फिल्म की अगर मैं ओवरऑल डायरेक्शन की बात करूं तो यस, मुझे इसका डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा। सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छी है, गांव का जितना भी लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। एडिटिंग इस मूवी की बहुत ही अच्छी की गई है, लेकिन फिर भी अगर इस मूवी को 1.5 घंटे की रखते तो और भी ज्यादा अच्छा होता। ऑल्दो मुझे लगता है कि इस फिल्म को ज्यादातर ऑडियंस ने नहीं देखी, क्योंकि ये कमर्शियल मूवी है नहीं और यहाँ पर कोई बड़े एक्टर्स भी, तो इस वजह से मुझे लगता है कि कन्नड़ ऑडियंस ने भी इस फिल्म को नहीं देखे होंगे। लेकिन शायद अगर वो लोग इस वीडियो के बाद इस मूवी को देखने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक उन लोगों को ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। और जो मेरे हिंदी व्यूवर्स, इतना ही बोलूंगा, अगर आपको कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक कहानी देखना, कुछ रियल कहानी देखना तो इस फिल्म को देखो, अदरवाइज इस फिल्म में आपको कुछ भी नाच गाना ऐसी कुछ भी चीज देखने को नहीं मिलेगी जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं आपको पहले बता दूं। उसके अलावा इस फिल्म में आपको एक सीन है जहां पर कुछ न्यूडिटी पिक्स देखने को मिलेगी और एक सीन किसिंग सीन है, तो इस वजह से ये फैमिली के साथ तो आप देख सकते हो, आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देना। तो यार बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर इस वीडियो को शेयर करना है तो शेयर कर दो, क्योंकि आजकल बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा हूं मैं। साला 200-150 पता नहीं, इस वीडियो को तो मेरे ख्याल 50-60 व्यूज ही मिलने वाले कुछ। खैर, और एक गुड न्यूज मेरे लिए ये है कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले, तो अब मेरे वीडियो रन क्यों नहीं हो रहे इसके पीछे की वजह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कोशिश करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल दुआ में याद रखना। मैं हूँ आप सबका दोस्त राशि शेख।